हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीतांजलि एजुकेशन एकेडमी ई लर्निंग क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हिंदी सब्जेक्ट ऑफ क्लास सेकेंड। कक्षा दूसरी का जो आपकी पुस्तक है पलाश, उसका हम पार्ट दो पढ़ेंगे। आप पेज नंबर 12 ओपन करेंगे बुक का अपनी, तो आप पार्ट दो पर पहुंच जाएंगे। पार्ट दो का जो शीर्षक है वो है व्रतम गया गाँव घूमने। अब पार्ट के नाम से ही समझ में आ रहा है कि व्रतम एक बच्चा है, वो गाँव घूमने गया है। तो इस लेसन को मैं फर्स्ट पैराग्राफ इसका रीड करूंगा आपकी रीडिंग स्किल्स के लिए, और बाकी लेसन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों, सबको पता है, आप सभी लोग गांव जाते हैं, गांव का एटमॉस्फेयर, गांव का वातावरण और कई सारी चीज़ें में भिन्नताएं होती हैं शहर से। और जो ख़ास तौर पर जो बड़े शहरों के जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, वो रेयरली ही, बहुत ही कम गाँव जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका गाँव नहीं होता है, वो शहरों में ही रहते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है, उसी को आधार बनाकर लिखी गई है। व्रतम नाम का एक बच्चा है जो कि शहर में रहता है और उसके पापा उसे गांव घुमाने ले जाते हैं। तो वो क्या अनुभव करता है गांव में, वो इस कहानी में बताया गया है। तो आइए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। व्रतम एक बड़े से शहर में एक ऊँचे से भवन में अपने पापा मम्मी के साथ रहा करता था। व्रतम की माँ कॉलेज में प्रोफेसर थी और पिता नामी डॉक्टर। एक दिन उसके पापा उसको पास के ही एक गांव घुमाने ले गए। वह व्रतम को दिखाना चाहते थे कि गांव के लोग कैसे रहते हैं। वहां वे दोनों श्यामल किसान के घर ठहरे। उस किसान के पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी और उस पर काम करने के लिए एक जोड़ी बैल थे। हाँ, एक गाय भी थी अपने प्यारे से बछड़े के साथ। श्यामल ने उन्हें पूरे गांव की सैर कराई। शाम को दोनों शहर की ओर लौट पड़े। घर पहुंचकर पापा ने व्रतम से पूछा, गांव में तुम्हें कैसा लगा? तो पहले पैराग्राफ में क्या है, एक बच्चा है व्रतम, वो एक बड़े शहर में एक बहुत ऊंची जो मल्टियाँ होती हैं उसके अंदर जो फ्लैट्स होते हैं उसमें रहता है, बड़े से ऊँचे भवन में अपने पापा मम्मी के साथ। उसके पापा जो हैं एक नामी डॉक्टर हैं और मम्मी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। अब प्रोफेसर किसे कहेंगे, जैसे स्कूल्स में टीचर होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वैसे ही कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं उन्हें प्रोफेसर कहते हैं। अब एक दिन उसके पापा ने क्या करा, व्रतम को वो एक पास की ही के गांव घुमाने ले गए। वो चाहते थे कि व्रतम गांव का माहौल से भी परिचित हो, क्या फ़र्क होता है गाँव और शहर के माहौल में वो जाने। वो गाँव उसको जब गाँव ले जाते हैं तो श्यामल नाम के किसान के घर पर वो रुकते हैं। श्यामल जो है एक छोटा सा किसान है, उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है और उसके पास एक जोड़ी बैल है और उसके पास एक गाय भी है जिसका एक छोटा सा बछड़ा है। अब श्यामल उन्हें पूरा गांव घुमाता है और शाम को व्रतम और उसके पापा वापस शहर अपने घर आ जाते हैं। अब घर आने के बाद क्या होता है, पापा व्रतम से पूछते हैं कि आपको कैसा लगा गाँव घूम कर? तो व्रतम उत्तर देता है कि मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा। तो उसके पापा को लगता है कि व्रतम को कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा है। वो उससे कहते हैं कि व्रतम, हमारा शहर तो गांव से बहुत ही अच्छा है। तो व्रतम पलट कर तुरंत जवाब देता है कि नहीं पापा, गांव हमारे शहर से बहुत अच्छा है। अब गांव किस तरीके से अच्छा है, क्या कह रहा है व्रतम? हमारे घर में एक कुत्ता है और गांव में जिसके जिन किसान के घर पर हम गए थे, श्यामल के किसान के, उनके घर पर तो चार चार कुत्ते हैं। हमारे यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है शहर में हमारे घर में, मगर जो गाँव है वहाँ पर कई सारे तालाब बने हुए हैं। स्विमिंग पूल में क्या करते हैं, लोग नहाते हैं, स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं। उसी तरीके से गांव के अंदर तालाबों में भी लोग मवेशियों को भी पानी पिलाते हैं, खुद भी नहाते हैं और उस पानी का दूसरा इस्तेमाल भी करते हैं। हम खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं, वे तो स्वयं ही उगा लेते हैं। क्या कह रहा है व्रतम अपने पापा से कि हमें तो हर चीज़ पैसों से खरीदना पड़ती है, हमें सब्जी भी पैसों से खरीदना पड़ती है, फल अनाज सब चीज़ें पैसों से खरीदना पड़ती है, मगर गाँव के लोग स्वयं ही इन सब चीज़ों को उगा लेते हैं अपने घरों में, अपने खेतों में। हमारे घरों में बल्ब, ट्यूबलाइट आदि रोशनी करते हैं, वहाँ चांद सितारों की रोशनी होती है। क्या कह रहा है व्रतम कि हमारा घर किससे चमचमाता रहता है, बल्ब, ट्यूबलाइट और आदि दूसरे प्रकार की लाइटों से चमचमाता रहता है, मगर गाँव में जो मुख्य स्रोत होता है रात में रोशनी का, वो होता है चांद सितारे। जैसे हमारे घर यहाँ पर हम देखेंगे तो सड़कों पर भी स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं जो रात भर जलती हैं। हमारे घरों में हर कमरे में ढेर ढेर सारे बल्ब लगे होते हैं, कई सारे अच्छा खासा उजाला होता है, वैसे ही गाँव में इतना नहीं होता है। हम टीवी के सामने बैठकर समय बिताते हैं, वे यही समय अपने परिवार व अपने लोगों से बातचीत करके बिताते हैं। क्या कह रहा है बताऊँ कि हम अपना खाली समय कैसे बिताते हैं, टीवी के सामने बैठकर हमें लगता है कि हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, मगर
गांव के लोग क्या करते हैं, अपना समय अपने परिवार और अपने जान परिचित वाले लोगों से बातचीत कर कर बिताते हैं। इससे क्या होता है कि संबंध जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, आत्मीयता बढ़ती है, लगाव बढ़ता है। जब हम अपने लोगों से बातचीत करेंगे, अपने परिवारजनों से बातचीत करेंगे, तो हम उनसे हमारी घनिष्ठता, हमारा प्रेम, स्नेह सबसे बढ़ता है। व्रतम के उत्तर से उत्तर ने पापा को सोच में डाल दिया। व्रतम ने तो गांव के बारे में उनका भी नज़रिया बदल दिया था। अब व्रतम के पापा क्या किस लिए ले गए थे उसे, कि गांव का माहौल, गांव और शहर के माहौल में क्या फ़र्क रहता है। मगर व्रतम ने जो देखा, जो सीखा, जो अनुभव किया, जब व्रतम के जवाब सुनकर उनके पिताजी का भी नज़रिया बदल गया। वे भी सोचने लग गए कि ये सब बातें तो मैंने सोची ही नहीं। यहाँ शहर में हमारे पास पैसे से खरीदी जाने वाली लगभग हर चीज़ है, मगर वहाँ गाँव में जो है यहाँ नहीं के बराबर है। ठीक है, पैसे से जो भौतिक चीज़ें, जो सांसारिक चीज़ें जो बिकने आती हैं, वो चीज़ें हम खरीद सकते हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे कि सादगी, सरलता। ठीक है, अब सादगी सरलता का अर्थ होता है कि हम कितने डाउन टू अर्थ हैं, कितना आसानी से दूसरों को हम स्वीकार कर लेते हैं। प्रेम, प्यार, मैत्री, दोस्ती, दया भाव आदि गुण हम जो कि सच में कम मिलते हैं। शहरों में, बड़े शहरों में खास तौर पे लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है, मगर छोटी जगह पर गांव में लोगों के अंदर सादगी भी होती है, प्रेम भी होता है, मैत्री का भाव भी होता है, दया भाव भी होता है। आज व्रतम से उन्होंने सीख लिया था कि जीवन में सादगी अपनाएंगे। क्या सीखा था व्रतम से उन्होंने, कि जीवन में वे सरल बनकर रहेंगे, सादगी से रहेंगे, सभी को अपनाएंगे, सभी से बातचीत करेंगे, सभी से अच्छा व्यवहार करेंगे, सभी के प्रति दया का भाव रखेंगे। मैं ये सब बातें अपने दोस्तों को भी बताऊंगा, व्रतम ने कहा। क्या कहा व्रतम ने, कि जो गांव में मैंने अनुभव किया ये सारी की सारी बातें मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। इस पर उसके पापा ने कहा, बहुत अच्छे व्रतम, आज तो तुमने ही मुझे कितना कुछ सिखा दिया। क्या कह रहे हैं व्रतम के पापा व्रतम से, कि तुमने मुझे कितनी सारी चीज़ें सिखा दी हैं, इन सब बातों के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेखिका हैं इस पाठ की, वो हैं सुनैना शर्मा। आप लोग भी जब गांव जाएं तो चीज़ों को अनुभव करें, पर्यावरण से लेकर लोगों के व्यवहार तक हर चीज